मध्य स्वरा स्वरा भी आगे करते हम मसौरा मध्य बीच में ही महोदय महोदया मैं भगनी कथयति मेरी बहन कहती हैं अस्माकम देशे हमारे देश में अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति 28 राज्य हैं एतत् अतिरिच्य इसके अतिरिक्त सप्त यहाँ पर सप्त दे रखा है वैसे अष्ट हैं अष्ट केंद्र शासित प्रदेश है हमारे देश में तो राज्य हैं मतलब आठ केंद्र शासित प्रदेश हैं तो यहाँ पर लिखना है अष्ट केंद्र शासित प्रदेशा अपि सन्ति आठ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं अध्यापिका अध्यापिका कहती हैं सम्यक जानाती ते भगनी सम्यक मीन्स ठीक जानाती मीन्स जानती हैं ते भगनी मीन्स तुम्हारी बहन ठीक जानती हैं भवतु अच्छा अपि जानीत है यूयम यतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम मीन्स सात राज्यों का एक है एक समवायो अस्ति समूह है यह जो सप्त भगिने सात बहनों के नामनान नाम से प्रतिष्ठोस्ति प्रसिद्ध है क्या आप जानते हैं कि इन राज्यों में सात राज्यों का एक समूह है जो सात बहनों के नाम से प्रसिद्ध है सर्वे सभी साश्चर्यं परस्परं पश्यन्ते आश्चर्यपूर्वक एक दूसरे को देखते हुए सप्त भगिने सात बहने सात बहने सात बहने निकोलस अब निकोलस कहता है इमानी राज्यानि सप्त भगिने इति किमर्थम कथ्यन्ते अब निकोलस कहता है कि इमानी राज्यानी इमानी मीन्स ये राज्यानी मीन्स राज्य सप्त भगिने सात बहने किमर्थम कथ्यन्ते किस लिए कहे जाते हैं क्यों कहे जाते हैं अध्यापिका अब अध्यापिका कहती हैं प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते प्रयोग अयम यह कथन प्रतीकात्मको वर्तते सांकेतिक है यह कथन सांकेतिक है कदाचित हो सकता है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य नाम विशेषताओं की साम्यात समानता के कारण इमानी ये उक्तोपाधिना उपयुक्त उपाधि से प्रथितानी प्रसिद्ध हो गए हैं हो सकता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की समानता के कारण ये उपयुक्त उपाधि से प्रसिद्ध हो गए हैं समीक्षा अब समीक्षा कहती है कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति कौतूहलम में मीन्स मेरा कौतूहल होता है कुछ जानने के लिए विजन होना तो मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है श्रावती सुनो तावत यत कानी तानी राज्यानी बताओ श्रावयतु सुनाओ या बताओ कि कानी तानी राज्यानी ये राज्य तानी मिस ये राज्यानी मिस राज्य कानी मिस कौन सी हैं ये राज्य कौन सी हैं अध्यापिका अध्यापिका कहते श्रुणते हैं सुनो ए द्वम मिस ऐसे दो राज्य हैं असम और अरुणाचल प्रदेश मैत्रेय मैं से तीन हैं मेघालय मणिपुर और मिजोरम न त्रियुक्तम तथा द्वम न चेव न त्रि न और त्रि से युक्त दो राज्य ऐसे दो राज्य मैं से तीन राज्य न और त्रि से दो राज्य सप्त राज्य समूह अयम यह सात राज्यों का समूह यहाँ पर अयम आज आगे आ जाएगा सप्त राज्य समूह अयम अयम मीन्स यह सात राज्यों का समूह सप्त भगिनी सप्तक सप्तकम सप्त भगिनी भगिनी सप्तक नाम से प्रसिद्ध है या माना मतलब मीन्स माना गया है भगिनी सप्तक माना गया है यह सात राज्यों का समूह भगिनी सप्तक माना गया है इत्यथम
भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति इत्यथम। इस प्रकार भगिनी सप्तके, भगिनी सप्तक में इमानी ये राज्यानि राज्य सन्ति मीन्स हैं। इस प्रकार भगिनी सप्तक में ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, चेती। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते तथापि गुण गौरव दृष्टिया वृतरानी प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे, क्षेत्रफल की दृष्टि से इमानी मीन्स ये लघुनी वर्तन्ते छोटे हैं, तथापि फिर भी गुण गौरव दृष्टिया, गुण और गौरव की दृष्टि से वृत्तानी बहुत बड़े प्रतीयन्ते प्रतीत होते हैं। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि या क्षेत्रफल के अनुसार ये राज्य छोटे हैं, परंतु गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे सभी कथम कथम कैसे कैसे। अध्यापिका इमाह सप्त भगिने स्वीय प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टा। इमे ये सप्त भगिने सात बहने स्वीय अपने प्राचीन इतिहासे प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीना एव दृष्टा स्वाधीन ही देखे गए हैं, देखी जाती हैं। ये सात बहने अपने प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी जाती हैं, स्वतंत्र ही देखी जाती हैं। न केनापि शासकीन इमा स्वायत्तिकृता, नहीं केनापि मिस किसी भी, केन जमा अपि केनापि किसी भी शासक ने, शासकीन शासक ने इमाह इन्हें स्वायत्तिकृता स्वायत्तिकृता अपने अधीन नहीं किया था, किसी भी शासक ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया था। अनेक संस्कृति विशिष्टयाम भारत भूमो एतेसाम भगिनीनाम संस्कृति महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त भारत भूमि पर एतासाम इन भगिनीनाम बहनों की संस्कृति महत्वाधायिनी महत्वपूर्ण है। अनेक संस्कृतियों की विशेषताओं से युक्त इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तन्वी अयम शब्द है सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त है। अयम मीन्स यह शब्द मीन्स शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले कदा कब प्रयुक्त है प्रयोग किया गया, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ या प्रयोग हुआ। अध्यापिका श्रुतम मधुर शब्दो अयम, श्रुतम सुनने में मधुर शब्दों, मधुर शब्द अयम मीन्स यह सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द कौन सा शब्द? सप्त भगिनी सर्वप्रथम विगत शताब्दशा पिछली शताब्दी के द्विसप्ततितमे वर्षे 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य राजस्य उद्घाटन क्रमे त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय केनापि किसी ने प्रवर्तित प्रयुक्त किया था। सुनने में मधुर यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय किसी ने प्रयुक्त किया था। अस्मिन नेव काले इसी समय, अस्मिन नेव अस्मिन जमा एव इसी काले काल इसी समय एतेषाम इन राज्यानाम राज्यों का पुनः संगठनम पुनर्गठन दोबारा से इनका गठन दोबारा से इनको बनाया गया था, विहितम विधिपूर्वक किया गया था। इसी समय इन राज्यों का पुनर्गठन विधिपूर्वक किया गया था। अब हम आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे इसकी हिंदी करेंगे।